explain you revision assignment number 1 class 3rd subject science. Question number 1 is friends, what is meant by migration? Migration से आप क्या समझते हैं? Name two birds that migrate. ऐसे two birds के नाम बताइए जो एक place को छोड़ करके दूसरे place में चले जाते हैं, यानी कि migrate करते हैं. तो migration का क्या मतलब होता है friends? Seasonal movement of birds from colder places to warmer places is called migration. Seasonal movement के कारण, यानी कि जब सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से जब सर्दी आती है, यानी कि seasonal movements जब change होते हैं, उनके कारण cold जो places होते हैं, ठंडे जो areas होते हैं, उनको छोड़ करके जो birds होते हैं वो वार्म प्लेसेस में चले जाते हैं, यानी कि गर्म प्रदेशों में चले जाते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं. ठीक है, और ऐसे कौन कौन से बर्ड्स हैं? आर्कटिक टर्न, कॉमन टी. ओके, आर्कटिक टर्न एंड कॉमन टी. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट क्या होते हैं? एग्जांपल बताइए. हार्मफुल इंसेक्ट्स आर कॉल्ड पेस्ट, जो हमें हानि पहुंचाते, जो हमें, जो हमारे घर में चुपचाप घुस जाते हैं, ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्मफुल इंसेक्ट्स, यानी कि पेस्ट कहलाते हैं. देखिए फ्रेंड्स, मॉस्किटोस, हाउस फ्लाइज, बी, ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं. हम इनको बुलाते नहीं है, ये हमारे घर में चुपचाप घुस जाते. तो ऐसे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पेस्ट कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज स्पाइडर आर नॉट कंसीडर्ड एज इंसेक्ट्स. स्पाइडर जो होती है, मकड़ियां जो होती हैं, वो इंसेक्ट्स के समान नहीं होती है. क्यों? स्पाइडर आर नॉट इंसेक्ट. स्पाइडर जो है, मकड़ी जो है, वो इंसेक्ट नहीं होती. क्यों नहीं होती है? क्योंकि दे हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, क्योंकि उनके 4 जोड़ी लेग्स होते हैं. एंड देयर बॉडी हैज 2 पार्ट्स, और उनकी जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. स्टूडेंट्स, जो स्पाइडर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? क्रॉलर्स होते हैं. दे आर क्रॉलर्स, रेंग रेंग के चलने वाले इंसेक्ट्स होते हैं. आप बिलोंग टू स्कॉर्पियन, और स्कॉर्पियन फैमिली से बिलोंग करते हैं. जो स्पाइडर होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, और स्कॉर्पियन फैमिली से बिलोंग भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर बर्ड्स एबल टू फ्लाई. जो पक्षी होते हैं वो उड़ने में कैसे समर्थ होते हैं, यानी पक्षी जो होते हैं वो कैसे उड़ते हैं? तो आंसर आपका लिखेंगे, द बर्ड्स हैव विंग्स व्हिच इनेबल देम टू फ्लाई. जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, और उनकी हेल्प से जो बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैदर्स. देखिए स्टूडेंट्स, जो फैदर्स होते हैं बर्ड्स के, वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 है हमारा फ्लाइट फैदर्स, ठीक है, और नंबर 2 है डाउन फैदर्स, एंड नंबर 3 बॉडी फैदर्स. ओके, अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ एंड व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, और व्हाई, यानी कि क्यों बनाते हैं? आंसर है, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस. देखिए, पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, अपने अंडे कहाँ गिराती है, कहाँ रखती है? अपने नेस्ट के अंदर. ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो अपने अंडों को नेस्ट में देती है, और क्या करती है? छोटे बच्चों की जो देखरेख का कार्य है वो भी कहाँ करती है? नेस्ट के अंदर. एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस, एंड द बर्ड्स यूज टायरलेस ट्विग्स वो
वह किससे तैयार करती है? वो ड्राई लीव से, जो सूखी हुई लीव्स होती है, पत्तियां होती है, ट्विग्स यानी कि टहनियां, वोल्स यानी कि ऊन, क्लॉथ कपड़े, स्टॉल्स पत्थर, इनकी हेल्प से जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट तैयार करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।